आज के हमारे कार्यक्रम पेट केयर में आपका और आपके पेट का बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों कहा जाता है कि अगर हम अपने घर में एक एक जानवर पालतू पशु को रखते हैं तो उससे मानव संवेदनाओं का और विकास होता है जी हाँ हमारे घर के छोटे से लेकर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति तक में एक अलग ही भावना एक जिसे कहना चाहिए शेयरिंग होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है बच्चों को यह सिखाया जा सकता है अपने आप ही जब उनके अंदर जब कोई उनके घर में एक पेट होता है उसको देख वो अपने आप सीखता है कि किस प्रकार से अपनी चीज दूसरे के साथ में शेयर करनी चाहिए इन्हीं संवेदनाओं को ऊपर उठाता है हमारा यह अंक साथ ही साथ में अगर आप अपने घर में पेट तो रख ही रहे लेकिन अगर सड़क पर आपको कोई बेजुबान मिले जिसे कुछ तकलीफ हो कुछ परेशानी हो और आपका उसके लिए कुछ अलग से करना यह आपके अंदर दिखाता है कि आपके अंदर कितनी मानव धर्म है जी हाँ हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको लगातार ही आपके जो पशुधन है उनको किस प्रकार से आप स्वस्थ रखें साथ ही साथ में आपके घर में जो आपका एक जीव है उसके अंदर कुछ बीमारियाँ अगर आ रही हैं उनसे आप बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं साथ ही साथ हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ही पशु प्रेमी लोगों से जो कि आपके लिए प्रेरणादायक सिद्ध होते हैं तो चलिए आज के अंक में हम आपको मिलवा रहे हैं अपने ऐसे ही एक वेट डॉक्टर से जो कि बताएंगे कि बताएंगे आपके घर में जो पशु है है उसको रेबीज की जो परेशानी है, उससे किस प्रकार से निजात मिल सकती है साथ ही साथ आपको आज मिलवा रहे हैं एक ऐसे ही पशु प्रेमी से जो कि डॉक्टर भी हैं तो चलिए हम अपने मेहमानों से मिल लेते हैं जो कि हमारे स्टूडियो में मौजूद है तो सबसे पहले मिल लिया जाए डॉक्टर विनीत कुमार तिवारी जी ये वेट डॉक्टर है नमस्कार डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर माधु गौतम जी ये पशु प्रेमी है साथ ही साथ डॉक्टर भी है आपका भी आपका बहुत हैं, में कौन -कौन सी बीमारियां सब पहले आ सकती है और ये कितने प्रकार के पेट होते हैं ये दोनों बातेंट तो टाइम से जो है पशु और मनुष्य का एक बड़ा अच्छा संयोजन रहा है और काफी वर्षों से जो है या काफी आप बोलो दशकों से या सैकड़ों वर्षों से मनुष्य और पशु का एक बड़ा अच्छा सामंजस्य के साथ में जीवन रहा है जहाँ तक हम पेट्स की बात करते हैं तो ये वो पशु होते हैं जिनको हम अपने घरों के अंदर रखते हैं बाकी ऐसे काफी सारे पशु हैं जिनको हम घर के बाहर रखते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह जो लोग पालते हैं वो लोग उनके उपयोग के लिए पालते हैं लेकिन कुछ पशु ऐसे हैं जिनको हम घरों के अंदर पालते हैं बेसिकली हम उन्हीं को पेट्स कहते हैं जी। और अगर आप देखेंगे कि जो सामान्य श्रेणी के अंदर में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पाले जाने वाले जो पशु हैं वो डॉग्स हैं कैट्स हैं पैरट्स हैं और भी इसके अलावा कई सारे कुछ कुछ लोग रेट्स भी पालते हैं कुछ लोग रैबिट्स भी पालते हैं कुछ लोग गिनी पिग्स भी पालते हैं आ, लेकिन जो सामान्य श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो डॉग्स सबसे ज़्यादा पाले जाते हैं और अब चूंकि एक ट्रेंड बढ़ा हुआ है कि कैट्स भी अब काफ़ी सारे लोग पसंद करने लगे जी, हैं जिसमें पर्शियन कैट्स हैं बॉम्बे कैट्स हैं हिमालयन कैट्स हैं अमेरिकन ब्रीड्स हैं कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जिनको घरों के अंदर में लोग पाल रहे हैं ऐसी कैट्स की ब्रीड्स भी हैं और कुछ डॉग्स हैं जो कि बेसिकली लोग घरों में पालना पसंद करते हैं क्योंकि एक हम उनके साथ में एक अच्छा सामंजस्य रख पाते हैं घरों के अंदर में हम उनके साथ में रह के एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ में हम उनके साथ में एक जीवन यापन करना सीख जाते हैं और वो पशु भी हमारे साथ में बड़े अच्छे तरीके से मिल जाते हैं जी 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 डॉक्टर माधुरी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर है साथ ही साथ में एक पेट लवर भी है ये शौक आपको कब से आया कब से आपको इनके प्रति ऐसा लगा कि मुझे इनसे प्यार हो गया है एक्चुअली मैम पूर्वा जी ये है कि बाई प्रोफेशन मैं फिजिशियन हूँ और जैसे कि हमारे हम जानते ही हैं सर ने भी कहा दया धर्म का मूल है हम हमारे संस्कार ही भी पहले कहते थे कि पहली रोटी गाय की आखिरी रोटी कुत्ते की ये सब हमको उन जानवरों से जोड़े रखने के लिए उनके लिए प्रेम करने के लिए संस्कार ही थे और फिर शुरू से एक दया आती थी किसी का भी दुख आज भी वही है कि किसी का भी दुख नहीं देखा जाता तो इंसान तो बेचारा आके हमको बोल देता है लेकिन वो बेजुबान नहीं बोल पाता तो उसको हम सुन लेते हैं और देखते हैं कि उसको दुख हो रहा है तो होम्योपैथिक मेडिसिन

जिसका कोई इलाज इस दुनिया में आज तक ना मनुष्यों के लिए है ना पशुओं के लिए जे, है एक ऐसी बीमारी है इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर आप अपने डॉग्स का कोई वैक्सीनेशन अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसका रेबीज़ का वैक्सीनेशन तो ज़रूर कराएं क्योंकि अगर रेबीज़ का वैक्सीनेशन आपने करा लिया है तो आप भी कहीं ना कहीं उससे सुरक्षित होते हैं क्योंकि अगर आपने रेबीज़ का वैक्सीन नहीं लगवाया है और अगर आपके डॉग्स को क्योंकि डॉग्स होते हैं ये एक वेरायटी ऐसी होती है जो कि केरियर ऑफ द बीमारी होती है इनको हम कैरियर्स कहते हैं है, बाकी जी. जो दूसरे एनिमल्स हैं वो कैरियर्स नहीं होते हैं लेकिन बेसिकली जो डॉग्स हैं वो कैरियर के रूप में आते हैं बाकी कुछ और पशु हैं जैसे बेट्स होते हैं रैकून्स होते हैं ये भी उनके कैरियर्स होते हैं लेकिन ये सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं तो जो हमारे संपर्क में कभी नहीं आते लेकिन डॉग्स चूंकि हमारे घरों में रह रहे हैं हमारे साथ में रह रहे हैं तो रेबीज बीमारी का वैक्सीनेशन उनके लिए बहुत ज़रूरी है इसके अलावा कुछ छः सात बीमारियाँ ऐसी हैं जिन बीमारियों का वैक्सीनेशन डॉग्स के लिए बहुत कंपलसरी है क्योंकि ये वो बीमारियाँ हैं जिनसे कहीं ना कहीं उनके जीवन को नुकसान होने की संभावनाएँ होती जी, है जी, जी, तो जैसे डिस्टेम्पर एक बीमारी है हेपेटाइटिस एक बीमारी है पार्वो वायरस के एक इन्फेक्शन है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन है लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी है ऐसी ऐसी पाँच सात आठ बीमारियाँ हैं जिनका अगर आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है तो आपका डॉग इस प्रकार की बीमारियों से बच जाएगा जो कि उसके लिए जीवन के या मृत्यु के रूप में अगर उनके सामने आ सकती हैं इन बीमारियों का वैक्सीनेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है सारी जगहों पर अवेलेबल है हमारे वेटनरी हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है तो आप ये वैक्सीनेशंस करवा लें अगर आप करवा लेते हैं ये वैक्सीनेशंस तो कहीं ना कहीं आपके जो डॉग्स हैं पेट्स हैं आपके कैट्स हैं

जैसे ही आप अपना प्रेम का भाव लेके उन जानवरों के पास जाएंगे दुख के पास है वो हमसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एनिमल्स वो समझ जाते हैं कि ये हमें मारने नहीं हमको मदद देने आ रहे हैं वो बहुत कोऑपरेट करते हैं सच में इतना लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हैं मदद और होम्योपैथिक मेडिसिन का सेम इफ़ेक्ट है आ, सिर्फ डोज का फ़र्क होता है कि यदि किसी इंसान को देनी है एक बूंद एक बार में उनको पांच बूंद दे दी जाए बस और ईजी टू मतलब उनको देना आसान है कड़वी नहीं है कुछ नहीं पानी में डाल के पिला दो पानी पर, पर पी जाते हैं कोई जी, भी प्रॉब्लम नहीं होती तो अच्छे से हो जाता है मतलब होम्योपैथी देना जानवरों को बहुत आसान है और बहुत इफेक्टिव है इवन मैंने तो कई जानवरों का मूड स्विंग भी होम्योपैथी से ठीक किया oh. गाय लात मार रही है दूध नहीं दे रही है तो उसको मेडिसिन दे दो कुत्ता ज़बरदस्ती चिचड़ा रहा है या किसी को कोई माँ थी उसके बच्चे मर गए बस अब माँ को ही रेस्क्यू कर पाए जे, जे, और उसको मिल्क, लेक्टेशन हो रहा है तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन से उसके जो एक्स्ट्रा लेक्टेशन है वो रोक सकते हैं तो, तो दे आर सो मेनी केसेस अभी क्या कितने सारे बताएं लेकिन बहुत अच्छा रोल है डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि ये टीकाकरण जब है किस उम्र से किस उम्र तक कुत्ते और बिल्लियों के लिए क्या उम्र अलग अलग होती है कब करवाना चाहिए डॉग्स के केस में देखें मैम तो अगर आप डॉग्स को पालना चाहते हैं तो मैं सारे दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको डॉग्स को पालना है अपने पास में तो आप कोशिश करें कि आप उनको एक या दो वीक या छः वीक तक के डॉग्स को खरीदें या उन्हीं को अपने घरों में लाएं क्योंकि जो वैक्सीनेशन शुरू होता है वो हम छठवें सप्ताह से शुरू करते हैं अच्छा जो एक नॉर्मल शेड्यूल है पूरे दुनिया के अंदर में ये शेड्यूल है कि हम छठवें सप्ताह से आठवें सप्ताह के भीतर के भीतर पहला वैक्सीनेशन हम डॉग्स का या कैट्स का हम करते हैं तो छः सप्ताह के अंदर में जो पहला वैक्सीनेशन हम करते हैं वो सेवन इन वन जिसको सात बीमारियों का हम वैक्सीन बोलते हैं या हम डीएचपीपी वैक्सीन है पांच बीमारियों का भी वैक्सीन है सात बीमारियों का भी वैक्सीन है जो सबसे पहला वैक्सीन है वो यही डिस्टेंपर पर का आ, पार्वो वायरस का जो पहला वैक्सीनेशन है वो हम छः से 8 सप्ताह के बीच में करते हैं उसके बाद दूसरा वैक्सीनेशन जो होता है हमारा वो दसवें से लेकर चौदहवें सप्ताह के भीतर होता है जिसमें हम पहला डोज उसको रेबीज़ का लगाते हैं है। और रेबीज़ के साथ में इन सात बीमारियों का बूस्टर डोज भी हम उनको लगाते हैं अगर आपने ये दो वैक्सीनेशन चौदह वीक के अंदर अंदर करा लिए हैं फिर अब आपको हर साल एक एनुअल वैक्सीनेशन आपको ज़रूरत पड़ेगी और एक हर साल अगर आप वैक्सीनेशन कराते रहेंगे तो आपका डॉग इन बीमारियों से आपका बचा रहेगा ये याद जरूर याद रखें कि अगर आप वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं तो उसके पहले अपने डॉग्स की डिवर्मिंग जरूर अच्छा जी क्योंकि अगर डीवर्मिंग अगर आपने नहीं कराई है तो जो हम मान के चलते हैं कि वैक्सीन का असर एक साल रहता है तो अगर हमने डीवर्मिंग करा ली है तो आप ये मान के चलें कि 99 परसेंट केस में उस वैक्सीन का असर एक साल तक उस पशु के अंदर में दिखेगा अगर आपने डीवर्मिंग नहीं कराई है तो हो सकता है कि उसका असर छः महीने सात महीने या आठ महीने के बाद में खत्म भी हो सकता है और उसको वो बीमारियां लग सकती हैं अच्छा डीवर्मिंग आप सबसे पहले जरूर कराएं डीवर्मिंग कराने के बाद ही आप वैक्सीनेशन कराएं कैट्स के मामले में देखें तो एक एफ वी वैक्सीन होता है जो कि कैट्स के लिए यूज होता है उनमें भी छठवें से आठवें सप्ताह के बीच में पहला वैक्सीनेशन होता है दूसरा बूस्टर डोज उनका आठ से लेकर बारहवें सप्ताह के बीच होता है और उनके वैक्सीनेशन जो है उसमें भी रेबीज का वैक्सीन शामिल है तो अपनी कैट्स को भी एफ सी एफ वी सी आर पी वैक्सीन जो है ये जरूर लगवाएं रेबीज का वैक्सीन जरूर लगवाएं और हर एक साल के अंदर में उस वैक्सीन को आप रिपीटेड डोज में उनको लगवाते रहें हाँ तो आपके जो पेट्स हैं वो बेसिकली इन बीमारियों से बचे रहेंगे पूरे सारा जैसा जो डॉक्टर शेड्यूल्ड uh, हम लोग वैक्सीनेशन कराते हैं और इवन मैंने जैसे पहले भी बताया कि स्टेलाइजेशन भी कराते हैं बिना वैक्सीन के तो घर में पेट पालना ही नहीं चाहिए क्योंकि क्योंकि आपके घर गेस्ट आते हैं वो वो भी सबसे पहले

पैरा इन्फ्लुन्सा इन्फेक्शन है लेप्टोस्पायरोसिस है ये कुछ ऐसे इन्फेक्शन है जो कि नॉर्मली ह्यूमन को ट्रांसफर नहीं होते हैं अच्छा अच्छा लेकिन डॉग से जो ट्रांसमिट होने वाले कुछ रोग हैं जैसे जो रेबीज़ है जो सबसे खराब एक बीमारी है जो कि डॉग्स से ह्यूमन के अंदर में ट्रांसमिट होती है और हर साल इससे जो है पूरी दुनिया में काफ़ी सारे लॉसेस होते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये बीमारी हो गई है इसके सिम्टम्स अगर आ गए हैं तो उसका दुनिया में ना ह्यूमन के लिए कोई इलाज है न पशुओं के लिए कोई इलाज है तो इस बीमारी से बचने के लिए हमको रेबीज़ का वैक्सीनेशन तो कंपल्सरीली कराना ही चाहिए और उस समय तो ज़रूर कराना चाहिए अगर आपके पेट को कभी किसी दूसरे डॉग ने अगर या दूसरे किसी एनिमल ने अगर उसको कट कर दिया है या अगर उसको बाइट कर दिया है तो इसका वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं क्योंकि जो रेबीज़ का वायरस है वो बेसिकली उसके सलाइवा में आ जाता है और सलाइवा से फैलता है और कहीं ना कहीं उसका जो सलाइवा जहाँ जहाँ गिरेगा अगर बाईदी वे आपकी बॉडी में कहीं कुछ कट है या अगर आपके वो टच में वो सलाइवा आया है जे, जे, तो कहीं ना कहीं उससे वो वायरस जो है वो आपकी बॉडी में जाने का चांसेस है तो बेसिकली आप ये जरूर ध्यान रखें कि जहाँ जहाँ पे डॉग्स रहते हैं और वहाँ पे अगर उनका सलाइवा गिरता है तो उसको प्रॉपरली आप डिसइंफेक्ट करें आप उसको डिटॉल से साफ करें आप उसकी जगह को साफ बना के रखें क्योंकि हाँ उनके सलाइवा से फैलने वाली बीमारियां काफी सारी है दूसरी कोई बीमारियां ऐसी नहीं है कि लेप्टोरपोसिस जरूर बीमारी है जिसको हम विल्स डिसीज बोलते हैं अगर वो भी ह्यूमन्स के अंदर में कई बार उसके कुछ सिम्टम्स देखने को मिले हैं वोमिटिंग और डायरिया के सिम्टम्स मिलते हैं हाँ और खासतौर से जो उनके डॉग्स के अंदर में जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं उसमें से कुछ ऐसा एक स्केबिज नाम का एक इन्फेक्शन है जो कि स्किन डर्मल इन्फेक्शन कहा जाता है कई बार उस स्केबिज़ के जो टिक्स होते हैं या जो माइट्स होते हैं जिसकी वजह से वो स्केबिज होती है कई बार उसकी आपकी बॉडी पर लग जाने से या आपके कट कट या किसी मार्ग के अंदर में अगर उसके वो कीड़े चले गए तो कहीं ना कहीं वो स्केबिज होने के भी आपको चांस रहते हैं हाँ तो सबसे अच्छी बात ये कि आप अपने पेट्स को हमेशा अच्छे से रखें साफ सुथरा रखें उनको प्रॉपरली ब्रश करते रहें आपके जो फरी एनिमल्स हैं जैसे जिनके अंदर में ज्यादा कोट होता है बड़ा कोट होता है जैसे कॉमेरियन है इंडियन स्पीड्स ब्रीड्स हैं ऐसी ब्रीड्स के अंदर में आप जो है उनके ब्रशिंग कॉम्बिंग जरूर करते रहें टाइमली उनको जो है उनकी स्किन को साफ जरूर करते रहें खासतौर से इस सीजन में बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है क्योंकि बारिश के सीजन में टिक्स और फ्लाइज का इंफेक्शन काफी होता है, है और वो उनके बालों के अंदर में सेट हो जाते हैं वहीं पे वो अंडे देते हैं और वहीं पे वो इन्फेक्शन को बनाते हैं जे, जे. फंगल इन्फेक्शन का भी काफी ध्यान रखने की जरूरत है खासतौर से ऐसे डॉग जैसे डेशाउंड्स वगैरह जो डॉग्स हैं जिनके कान नीचे की तरफ होते हैं हाँ जी, हाँ जी। आ, क्या होता है कि इनके कानों के अंदर में कई बार फंगल इन्फेक्शन सेट हो जाते हैं चूंकि हम उनके कानों को देख नहीं पाते हैं ठीक है? तो ऐसे डॉग्स जो आपने डेशाउंड्स या रोटविलर टाइप के जो डॉग्स हैं जिनको आपने घर में पाल रखा है ऐसे डॉग्स के आप जो है खासतौर से इस बारिश के सीजन में अपने कानों को जरूर के और उनको वीकली साफ जरूर करते रहें उनको ड्राई बना के रखें जिससे कि फंगल इन्फेक्शन जी, जी, जी। यही उम्मीद है कि वो हमारे डॉक्टर साहब की जो भी जो सलाह वो दे रहे हैं वो अगर उनको अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर उनका पेट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा मैम आप मुझे ये बताइए कि कई बार देखने को ये मिलता है कि नगर निगम की गाड़ी आती है और पेट लवर्स वहां पर खड़े हो जाते हैं कि नहीं भैया हम नहीं जाने देंगे आपका क्या अनुभव है आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगी और किस प्रकार से जो कुछ मतलब कहीं ना कहीं वो भी जरूरी है और आप भी जरूरी है तो किस प्रकार से जैसे बैठाएंगे ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैम हम लोगों को बहुत आती रहती है हम लोगों की नगर निगम वालों से बहुत झगड़ा होता रहता है तो मैं सोसाइटी के लोगों से ये कहूँगी कि ये भी जान है इनको ऐसे वो नगर निगम पकड़ के जाने कहाँ छोड़ देती है भूखे पैसे वो मर जाएंगे यदि दो तो रोटी इनको भी दे दें अपने घर के सामने एक बोरी बिछा दें और ये आपके घर के सामने तो ये कितना वफ़ादार जानवर है मैं कुत्ते की बात कर रही हूँ कि ये आपके घर चोर नहीं आने देगा आपकी रक्षा करेगा जब आप घर से ऑफिस से थके मुंदे आएंगे तो आपके सब प्यार, इतने प्यार से दुम हिलाएगा और आपको इतना देगा ना कि आपको ऐसा लगेगा कि जान तो इनकी मदद स्टरलाइजेशन हाँ, तो करा दें जो कि हमारे भोपाल में अवेलेबल है जहांगीराबाद हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से होता है हम लोग कराते रहते हैं और तीन दिन में बिच आराम से हेल्दी होके फिर उसको ज्यादा होंगे नहीं आप रहने दीजिए प्यार से उनको

और उनकी ब्रीडिंग का सीज़न भी ये होता है तो आप उनकी एक तो ब्रशिंग प्रॉपरली करते रहे उनको ड्राई बना के रखें जहाँ पर वो रहते हैं उस स्थान को पूरी तरीके से ड्राई रखें उसको साफ़ सुथरा रखें डॉग्स चूँकि काफ़ी डरते हैं जैसे जब थंडर स्टॉम होता है जब बिजलियाँ तेज़ी से कड़कती हैं तो कहीं ना कहीं वो डरते हैं तो ऐसी रातों में जब आप देख रहे हैं कि अब बिजलियाँ कड़क रही हैं कुछ हो रही हैं तो आप कहीं ना कहीं उनको अपने साथ अपने रूम्स के अंदर में उनको रखें क्योंकि वो इसी स्थिति में काफी डरते हैं और उस डरने की वजह से काफी कई बार तो वो कूदने फादने लगते हैं या कई बार वो बारकिंग करने लगते हैं तो इसी स्थिति में उनको रोकना जरूरी है साथ में चूंकि उनको पानी में खेलना बड़ा अच्छा होता। जी, लगता जी, है डॉग्स को मेरे मन में भी यही प्रश्न आ रहा था कि मैं आपसे इसके बीच में टोक के बोलूं कि निलाना कब है सुबह है दोपहर में शाम मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप जैसे डॉग्स को चूंकि पानी में खेलना बहुत पसंद होता है तो आप उनको बिल्कुल लेके जाए पानी में लेके भी जाए उनको पानी में खेलने भी लेकिन से जब वापस उनको लेके आए तो आप जरूर से उनको जो है खूब अच्छे से ड्राई करें खूब अच्छे से साफ करें खासतौर से जो है हम लोग साफ ऊपर से कर देते हैं लेकिन कभी उनके पंजों को साफ नहीं, नहीं करते अच्छा तो ये बड़ा जरूरी है कि अगर आपके डॉग को अगर आप बाहर से या कीचड़ से कहीं वो खेल कूद के आ रहा है या खूब मस्ती करके आ रहा है तो सबसे पहले उसको आप पूरा उसको ड्राई करें उसको अपने टॉवेल्स वगैरह जो आप यूज करते हैं उससे आप ड्राई करें साथ में उसके पंजों को जरूर साफ करें क्योंकि कई पंजों में कई बार क्या होता है कि मिट्टियाँ लग जाती हैं और उस मिट्टी के अंदर में कई सारे ऐसे आ, कीट होते हैं या फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं जो पॉज में हम कई बार देख नहीं पाते हमारी नजरों में रहते नहीं है और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं उनके पॉज को प्रॉब्लम देते हैं जी, जी, तो उनके पॉज को साफ़ करें उनको काफ़ी अच्छा ड्राई बना के रखें फाइब्रस फूड्स इस समय में ज़्यादा देने की जरूरत होती है कार्बोहाइड्रेट्स uh, के फूड्स कम दें इस सीजन के अंदर में क्योंकि क्या है कि डॉग्स को हम ज़्यादा बाहर ले जा नहीं पाते हैं वो ज़्यादा एक्सरसाइज उनकी हो नहीं पाती है तो ऐसी स्थिति में चूंकि डॉग्स मैक्सिमम टाइम आपके घर में रहेगा तो इसी स्थिति में आप कार्बोहाइड्रेट्स को घटाकर आप फाइबरस फूड्स उनको ज़्यादा दें आप उनको एक्सरसाइज कराएं घर में ही कराएं घर में ही अगर वो दौड़ भाग सकते हैं तो वो व्यवस्था रखें और बाहर जाने भी चाहते हैं तो वो बिल्कुल लेके जाए क्योंकि वो भी इन्जॉय करेंगे आप भी उनके साथ काफ़ी इन्जॉय करेंगे लेकिन उनके साथ में ये हाइजीन्स को आप मेंटेन जरूर करें करना जब भी आप उनको साफ सफाई करें तो या तो पानी के अंदर में डेटॉल डाल दें या वगैरह जो यूज़ होते हैं नॉर्मली घरों के अंदर में ठीक आप उनको यूज करके अगर आप उनकी साफ सफाई करते रहेंगे सप्ताह में एक या दो दिन उनको नहलाने की आवश्यकता होती है नहलाएं भी दोपहर के टाइम जब थोड़ा सा सनराइज का टाइम होता है जब थोड़ी सी धूप का टाइम होता है तब आप उनको नहलाएं

पसंद है लेकिन नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है जी, तो जी, हमारे घर तोता है पेड़ लगाया हुआ है तोता जाने कहाँ से किसी पंख काटे हुए थे और वो हमारे पेड़ पर आके बैठा हमारे घर पिंजरा रखा ही हुआ था तो आज है इतना बोलता है अच्छा बहुत बातूनी तोता है है सिर दुख जाता वो इतना बोलता है दस आग, दस लेकिन ये है कि ठीक है तो तोता है फिलहाल गलेहरिया है अच्छा और सिक्सटी गिनी तो नहीं है लेकिन पचास साठ लव बर्ड्स हैं पेड़ पर आके बैठी रहती है और एक और बात है कि आप उनको बिलो स्टैंडर्ड चावल नहीं दे सकते हैं बासमती टूटी खाती हैं आप सोचें कि राशन का चावल दे दें तो अपनी भाषा में कह देती तुम ही खा लो हम खाएंगे <laughs> अरे वाह ये अच्छी हाँ, तो बात है मींस ये है हमारे घर चिड़िया है गिलहरी है तोता है स्ट्रे डॉग्स स्ट्रेड तो लेकिन जैसे आपने मुझे बताया कि बिल्ली और कुत्ता है तो क्या तो तो आपस में लड़ाई नहीं, नहीं, नहीं होती नहीं है नहीं नहीं वो समझ जाते हैं कि हमको प्रेम से रहना है थोड़ी खोखों खोखो थोड़ी बहुत लेकिन डेंजरस नहीं होती है मतलब प्रेम से रहते हैं वो लोग ऐसे ऐसे एक दूसरे को मारने पीटने पर नहीं होता है जी डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी की

के बाद हम खुद भी उस खाने को नहीं खाते हैं तो जैसा जो रूटीन हम हमारे लिए फॉलो करते हैं जो खाने की रूटीन हमारी हैं वैसी की वैसे ही हम पेट्स के, के साथ में करना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वो कल का फूड था उसको और आज हम उसको वापस से उसको खिला दें क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बासे फूड्स होते हैं इनके अंदर में क्या होता है कि जैसे आप घर में देखें कि आप आटा तो नॉर्मली ड्राई अगर फॉर्म में आपने आटा रखा है तो आप उसको महीनों तक रख सकते हैं लेकिन अगर आपने उस आटे के अंदर पानी मिला दिया और आपने अगर उसका लोई बना के रख लिया तो आप उसको चौबीस घंटे से ज्यादा नहीं रख पाएंगे है ना तो बेसकी वैसे ही है कि अगर आपने इन फूड्स को अगर आपने प्रोसेस कर लिया है जी। अगर आपने उन प्रोसेस फूड्स को अगर आपको यूज करना है तो आपको विद इन एट टू ट्वेल्व आवर्स अगर आपको यूज़ करेंगे तो ही वो उनके लिए बेनिफिशियल हो पाएंगे अदरवाइज उनको खाने से उनको इंडाइजेशन हो जाएगा हाँ और इंडाइजेशन होने की वजह से उनके पेट खराब हो जाएंगे फिर आपको जो है उनको मेडिकेशन करके या कोई दूसरा ऐसा फाइबरस फूड खिला के ही आप उनको वापस से ठीक कर पाएंगे तो सामान्य रूप से आप जो भी खाना उनके लिए बनाते हैं वो खाने को आप जो है तत्काल चार से छह घंटे के भीतर यूज करें अगर वो नहीं खाते हैं आप उसको डिस्कार्ड कर दें और आप उनको दूसरा खाना देते हैं जी, आ, जी, मार्केट के अंदर में आज की डेट में जैसे प्रिपेयर्ड फूड्स भी अवेलेबल हैं जो कि ड्राई फॉर्म के अंदर में आते हैं पेडिग्री रॉयल केनाइन और काफी सारी कंपनीज हाँ, हैं जिनके फूड्स अवेलेबल हैं ये ड्राई फॉर्म के अंदर में फूड्स होते हैं आप इनको खिलाएंगे भी तो वो ड्राई फॉर्म में ही आप उनको सामने रखेंगे ये फूड्स को तो आप इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन अगर वो गीले हो जाएं या अगर तो उनके अंदर में पानी लग जाए तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि छः से आठ घंटे के भीतर अगर वो खा लेते हैं तो तो ठीक है नहीं तो आप उनको डिस्कार्ट करते हैं जी जी अगर किसी व्यक्ति को किसी कुत्ते ने काट लिया है एकदम घबराहट हो जाती है इंसान अपना कहीं ना कहीं आपा खो देता है तो उसको उस समय पर क्या प्रिकॉशंस अपनाना चाहिए कैसे उस चीज़ को उस जो सिचुएशन है उसको हैंडल किस तरह से करने चाहिए देखिए जहाँ तक जो रेबीज़ बीमारी का सवाल है रेबीज़ का अगर फुल फॉर्म देखें आर ए बी आई ई एस रेबिड एनिमल बाइट इंड्यूस्ड इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम बेसिकली इस बीमारी का जो फुल फॉर्म है वो ये है कि रेबीज बीमारी आपको तभी होगी जब किसी पागल कुत्ते ने आपको काटा है अच्छा है ना अगर पागल वो कुत्ता नहीं है या डॉग पागल नहीं है और उसने आपको इंटेंशनली या किसी इरिटेशन की वजह से काट लिया जी, है जी। तो सामान्य रूप से आप ये माने कि आपको रेबीज होने के चांस नाइन्टी नाइन परसेंट नहीं है।, है ना आपको जैसे ही काटा है उस स्थान को तत्काल आप जहां पर भी हैं अगर आपके पास में वॉशिंग पाउडर है आपके पास में अगर कपड़े धोने का साबुन है आप तत्काल उस घाव को तत्काल आप उससे साफ़ कर सकते हैं डिटॉल वगैरह है तो बहुत ही अच्छी बात है डिटॉल से आप उसको साफ कर लें और साफ़ करने के बाद में आप कोई भी अपना बिटाडिन वगैरह जो क्रीम होती है वो आप उस घाव के ऊपर में लगा लें हाँ अगर आपको ये लगता है आप उस डॉग को ऑब्जर्व करें जिसने आपको काटा है कि अगर उसके अंदर में अगले चौबीस घंटे या अड़तालीस घंटे में ऐसा कोई सिम्टम आता है कि वो पागलपन जैसे कोई लक्षण दिखाता है तो आपको विद इन ट्वेंटी टू फोर्टी आवर्स आपको अपना वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए रेबीज़ का वैक्सीनेशन जी? सारे सरकारी uh, अस्पतालों के अंदर में ये वैक्सीन मुफ्त में लगाया जाता है सारे गांव सारे शहर वहाँ पर हर जगह ये वैक्सीन अवेलेबल है ह्यूमंस के लिए केवल आपको रोगी कल्याण समिति का दो रुपये या पाँच रुपये का शुल्क देना होता है वो आप दे के अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पाँच डोज में ये वैक्सीन लगता है पहला डोज आपको जो है जीरो आवर्स जिसको हम बोलते हैं ज़ीरो डे कि आपको जब काटा है उसको ट्वेंटी फोर आवर्स के भीतर पहला डोज लगवा लें दूसरा डोज तीसरे दिन लगता है तीसरा डोज सातवें दिन लगता है चौथा डोज डोज दिन लगता है और पांच लग है, तो 99 केस में आपको रेबीज बीमारी होने के चांस नहीं है चलते चलते जल्दी से आप अपनी सलाह कुछ देना चाहें माधुरी जी मैं ये कहना चाहूंगी बारिश का मौसम चल रहा है तो एक जैसे आप अपनी कार पार्किंग से जब कार निकालें तो थोड़ा सा कार के नीचे झांक लें क्योंकि हो सकता है कि बारिश से बचने के लिए कोई स्ट्रे डॉग या कोई भी एनिमल उसके नीचे छुप के बैठा हुआ हो एकदम से गाड़ी निकालने से कहीं वो इंजुरी ना हो जाए उसको बस एक ये मेरी पर्सनल है और यदि बहुत तेज बारिश हो रही है तो प्लीज़ कोई भी कपड़ा आपके घर वेस्ट जो पड़ा हो वो उसको उसके आपके घर के बरांडे में कॉरिडोर में उसको बैठने की जगह दे दीजिए जैसे ही बारिश रुकेगी वो अपने आप ही चला जाएगा मेरी दर्शकों को बस यही एक एडवाइस है आप लोग आए और हमारे जो दर्शक है उन्हें इतनी अच्छी सलाह दी मुझे लगता है कि दर्शकों को भी जो उनके पैट है उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल चुकी होगी बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू नमस्कार थैंक यू